बंसल की राज ठाकरे की घरेलू बैठक में तय किया गया कि आने वाले 3 मई को पूरे महाराष्ट्र में महाआरती का आयोजन किया जाएगा। बता दें, यह बैठक लाउड स्पीकर को हटाए जाने के मुद्दे को लेकर हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों के हुए घपले घोटाले के खुलासे के डर से यह पसरा हुआ है। इसके अलावा शिवसेना ने केंद्र सरकार पर दिल्ली नगरपालिका के चुनाव में मुद्दा न होने पर दंगा कराए जाने का आरोप लगाया है। राज ठाकरे के घर एमएनसी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि आने वाली 3 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें बालानंद गांवकर, नितिन सरदेश, यशवंत किल्लेदार, गजानंद काले सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए बालानंद गांवकर ने 3 तारीख को किए जाने वाली महाआरती को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। फरवरी में मिले थे और गृह मंत्री साहब को महाराष्ट्र पर अभी तक कुछ आज से महाराष्ट्र में भाजपा का पोल खोल अभियान शुरू होना है, जिसकी शुरुआत में ही चेंबूर में तय किए हुए वैन पर किसी ने पत्थर मार दिया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में खासी नाराज। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुंबई महानगर पालिका में हुए भारी भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आने वाले थे, इसी को लेकर ही हरकत की गई है। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है। ये जो हल्ला किया गया है वो भैड़ हल्ला है। भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल का अभियान आज शुरू होने वाला था। इस पोल खोल अभियान की शुरुआत विरोधी पक्ष नेता दरेकर जी के हाथों से यहाँ चेंबूर में होने वाली थी। चेंबूर विधानसभा का यह अभियान था और इस अभियान में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 3 लाख करोड़ का महापालिका का जो घोटाला बाहर निकाला उसकी ध्वनिफीत चित्रफीत इसमें दिखाने जाने वाले थे, लेकिन ये डर के मारे उनका भ्रष्टाचार बाहर आ जाएगा, इस डर के मारे रात के अंधेरे में ये पीछे से वार करने वाला काम शिवसेना के लोगों ने किया है। मैं राउत साहब को आह्वान देना चाहता हूँ, आप हमेशा बोलते हैं हम पीछे से वार नहीं करते, तो ये पीछे से वार नहीं तो क्या है, हिम्मत है तो सामने आओ, हमारे ऊपर वार करने की कोशिश करो। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में हुए दंगों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में नगर निगम चुनाव जीतने के लिए दंगे कराए जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए दंगों का सहारा लिया जा रहा है या प्रायोजित दंगे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए दंगों की राजनीति की जा रही है, मुंबई में भी यही किया जा सकता है और बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं ये पहली बार नहीं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ वहाँ आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया और आप दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है किसी को पकड़ कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और ये लाउड स्पीकर्स का मामला उठाया आप लोगों ने। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी अभी उभर रहे हैं, अभी अभी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपति का काम चल रहा है, और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेंगे।